हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूरोप के बर्लिन शहर में गए थे और उन्होंने वहां पर भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर सांची स्तूपा के ईस्ट गेटवे का एक रेप्लिका देखा और वहां पर उसे वो देख कर निहारते ही रह गए, जिसकी फोटो आपको यहां पर सामने देखने को मिली है। और इसी वजह से आज हमारे लिए फिर से आर्ट एंड कल्चर या हमारा इतिहास वापस लौट कर आज हमारे वर्तमान के सामने खड़ा है और सांची स्तूपा न्यूज में है। और यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो ईस्ट गेटवे होता है या फिर ये सांची स्तूपा है, इसका मतलब क्या होता है, बुद्धिज्म से इसका किस तरीके का लेना देना है, क्या रिलेशन है, और स्तूपा में जो तोरण होते हैं उसका क्या मतलब होता है, और क्या जो बुद्धिज्म के स्तूपाज हैं वो एक ही तरह के होते हैं या फिर उसकी अलग अलग टाइप और कैटेगराइजेशन होती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज अनुभव दीपानी, वेलकम टू चहल एकेडमी। तो आज यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस बर्लिन के यहां पर एक रेप्लिका जो है हमारे सांची स्तूपा का उसको यहां पर देख रहे हैं। अब यहां का जो आर्किटेक्चर है काफी ज्यादा डिटेलिंग में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि इसको आप में डिटेलिंग्स में देखने को मिलती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3rd सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC के टाइम पे हमको देखने को मिलता है। यहां तक कि कुछ इसके पोर्शन सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे और जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सीधी सी बात है कि मौर्यन एम्पायर के ग्रेट सम्राट अशोक को जाता है। इस तरीके का आर्किटेक्चर अगर शायद आज मॉडर्न वर्ल्ड में बनाया जाता तो वो कोई उतना बड़ा अजूबा नहीं होता, लेकिन हम लोग 3rd सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं जहां पर हमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं देखने को मिलती थी और ये सारी की सारी चीजें जो हैं हाथ से बनाई गई हैं। तो ये जो बेसिकली आपको रेप्लिका देखने को मिलता है सांची के स्तूपा का बर्लिन में एक म्यूजियम में, ये इसके बेसिकली ईस्ट गेटवे का एक यहां पर रेप्लिका है। ईस्ट गेटवे यानी कि बेसिकली आप तोरण एक तरीके से कह सकते हैं, जो प्रवेश द्वार होता है। अगर आप इस रेप्लिका को ध्यान से देखें तो ये करीबन आपको 10 मीटर लंबा देखने को मिलता है, 6 मीटर चौड़ा, और कुल वजन की अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये करीबन 150 टन का आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, ये जो बेसिकली रेप्लिका आपके सामने है, अगर आप इसमें इसके मिडिल आर्किटेक्ट या फिर मिडिल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये दर्शाता है आपके सिद्धार्थ जो प्रिंस थे, जिन्हें हम आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उन्होंने जब बेसिकली कपिल वस्तु को छोड़ दिया था और वो एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ चुके थे, वो इस मिडिल आर्किटेक्ट ये एग्जैक्टली यहां पर यही दर्शाता है। लेकिन अगर आप इसके लोअर आर्किटेक्ट या लोअर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वो बेसिकली आपके सम्राट अशोक के बोधि ट्री पर जाने के इंसिडेंट को दर्शाने की कोशिश करता है, जहां पर गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था। और सम्राट अशोक कितने बड़े फॉलोअर बन चुके थे बुद्धिज्म के और गौतम बुद्धा के, ये हमें बहुत अच्छे से यहां पर पता ही है। अब यहां पर आप एक और चीज ये देखिए कि एक और यहां पर बहुत शानदार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग शलभंजिका के नाम से जानते हैं। शलभंजिका बेसिकली क्या है कि यक्षी को कहते हैं या फिर माया को कहते हैं, यानी कि वो यक्षी जो बोधि ट्री के पास खड़ी होती है या उसके साल के वृक्ष के नीचे खड़ी होती है, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ही गौतम बुद्ध को यहां पर जन्म दिया था। और ये बेसिकली उस चीज को ही यहां पर दर्शाते हैं जिसे शलभंजिका कहते हैं। और ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शलभंजिका की, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि यहां पर एक PYQ भी UPSC में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड, that which of the following statements about sculptures at Sanchi is or are correct. Number one, in some sculptures there are representation of Shalabhanjika. Number two, the figure of Shalabhanjika is represented by a woman surrounded by lotuses and elephants. वैसे यहाँ पर basically आपको peacocks भी देखने को मिलते हैं. Number three, the Shalabhanjika मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया. और यहां पर आपको बेसिकली सही आंसर देना है इस कोड में. पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट सही है. 2 और 3, ओनली 2 और जस्ट 1 और 3. अब अगर इस शलभंजिका के टॉपिक से थोड़ा सा अगर हम लोग अलग हटते हैं और यहां पर सांची की जो स्तूपा है अगर उसकी यहां पर बात करने की कोशिश करें, तो ये जो सांची स्तूपा है ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से आपको डायरेक्टली कनेक्टेड देखने को मिलता है। और यहां पर जो बेसिकली बुद्धिस्ट होते थे या जो मॉन्क होते थे, जिन्हें आप लोग हिंदी में बिद्धू मोक्ष या भोक्ष के नाम से भी जानते हैं, वो यहां पर पूरी तरीके से मेडिटेशन करते थे, जो सेंट्स होते थे, और जो इनका लिटरेचर होता है बुद्धिज्म का वो यहां पर कंटेन भी किया जाता था।
अब अगर आप इस स्तूपा के बारे में देखें तो ये जो इस तरीके के स्तूपा हैं आपको इंडिया में बहुत सारी जगह देखने पर को मिलते हैं, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो सांची स्तूपा का देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि सांची स्तूपा उन आर्किटेक्चर्स में है इंडिया के जो बुद्धिज्म से जुड़ा है, जिन्होंने जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था ईयर 1989 में। अब अगर इस स्तूपा को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें तो ये जो बेसिकली स्तूपा है ग्रेट सम्राट अशोक के द्वारा 3rd century BC में बनाया गया था, और इसके पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन में अशोक की जो वाइफ थी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, जिनका नाम था देवी, उनका भी बहुत बड़ा रोल यहां पर हमें देखने को मिलता है। और यहां पर अलग अलग तरीके के हमें स्तूपा, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। अगर टोटल आप स्तूपास की बात करते हैं तो वो करीबन आपको 84,000 से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये जो सांची स्तूपा आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम लोग आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 के लिए तो इस पर्टिकुलर स्तूपा के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम लोग यहां पर पढ़ाई करना पसंद करते हैं। अब जब हम लोग इस स्तूपा की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में जानना जरूरी है, वो है तोरण। तो स्तूपा का जो तोरण होता है उसे हम लोग गेटवे के नाम से भी जानते हैं, यानी स्तूपा का जो प्रवेश द्वार होता है या द्वार होता है या फिर जिसे हम लोग दरवाजा कहते हैं, जैसे आप यहां पर इस वक्त इमेज में देख सकते हैं। और ये जो बेसिकली तोरण का आपको कंटेक्स्ट देखने को मिलता है ये शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे आपको देखने को मिला था, और तोरण जो है ये सांची स्तूपा में भी आपको देखने को मिलता है। एज यू कैन सी हियर द तोरण्स आर हियर। अब तोरण के बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई अलग अलग किस्म के तोरण आपको यहां पर रेप्लिका में देखने को मिलते हैं, कुल मिलाकर 4 तोरण हैं, और ये जो 4 तोरण हैं यानी कि जो 4 गेटवे हैं जिसका रेप्लिका ईस्ट गेटवे का रेप्लिका बर्लिन में यहां पर हमें म्यूजियम में देखने को मिला था, तो वो एक डायरेक्शन का गेटवे हुआ ईस्ट का। लेकिन इस तरह स्तूपास में 4 अलग अलग तोरण होते हैं जो आपकी 4 अलग अलग डायरेक्शंस को यहां पर शो करते हैं, 4 अलग अलग दिशाओं को यहां पर शो करते हैं। और ये जो बेसिकली अलग अलग डायरेक्शन के तोरण का बेसिकली कंटेक्स्ट है ये हमें 1st century BC में सातवाना डायनेस्टी के टाइम पर भी हमको यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां अगर हम लोग स्तूपा की बात कर रहे हैं तो स्तूपा के अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक स्तूपा तो आता ही है, एक होता है चैत्यास और एक होता है विहारास। अगर हम लोग स्तूपा की बात करते हैं तो यहां पर आपको जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो स्क्रिप्चर्स हैं या फिर जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं वो यहां पर कंटेंड दिखते हैं। वहीं अगर हम लोग चैत्य ग्रह की बात करें तो ये एक तरीके से चर्च की तरह होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं यहां पर तो चर्च की थोड़ा थोड़ा रिप्लेक्ट करता है ये, और यहां पर इसे प्रेयर हॉल भी कहा जाता था क्योंकि यहां पर प्रार्थना की जाती थी। वहीं अगर हम लोग यहां पर विहारा की बात करते हैं तो यहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो मेडिटेशन करते थे, और वो मेडिटेशन के साथ साथ यहां पर रहा भी करते थे। जब मॉनसून पीक पर होता था और वो मॉन्क एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल नहीं कर पाते थे तो जहां पर वो मेडिटेशन करते थे विहाराद में, जिसे आम भाषा में आप लोग मॉनेस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, वहां पर वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रहा भी करते थे। तो यानी कि स्तूपा, चैत्यास और विहारास, ये बेसिकली आपको 3 अलग अलग टाइप के यहां पर आपको स्ट्रक्चर के कैटेगराइजेशन देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर चैत्यास यानी कि प्रेयर हॉल की अगर बात करें तो यहां पर वर्शिप हॉल भी इसको कहा जाता था, श्राइन हॉल भी इसको कहा जाता था, और इंडिया में आपको कई अलग अलग तरीके के जो चैत्यास हैं उसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। होता ये था कि मान लीजिए कि ये एक चैत्या है तो यहां पर मॉन्क एक साइड से एंटर करते थे, ठीक है, और दूसरे साइड पे आपको यहां पर स्तूपा देखने को मिलता था। यानी चैत्यास के अंदर भी यानी दूसरे एंड पे भी बहुत सारे स्तूपास होते थे, ऐसे काफी एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम लोग यहां पर चैत्यास के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया में आपको एलोरा, अजंता, भजा, बाघ, कार्ले, नासिक, अलग अलग जगह पर आपको ये चैत्यास देखने को मिलते हैं, और ये गुफाएं जो हैं वो काफी ज्यादा सुंदर हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त जब ये बनाई गई थी जब सिर्फ हाथों से काम होता था, किसी भी तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आज है हमारे पास मैकेनाइजेशन के रूप में वहां पर नहीं होती थी। अब अगर हम लोग इसके बाद विहारास की बात करते हैं जिसे हम लोग मॉनेस्ट्रीज भी कहते हैं, यहां पर ये मॉन्क्स का घर भी होता था और यहां पर ये मेडिटेशन भी करते थे। अब ये जो विहारा है ये टर्म आपको सिर्फ बुद्धिज्म में देखने को नहीं मिलता, ये टर्म आपको हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है, आपको जैनिज्म में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया से निकले जितने भी रिलीजन है चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे जैनिज्म है,
मेडिटेशन का जो कंसेप्ट है, ध्यान का जो कंसेप्ट है, वो आपको हर रिलीजन में देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर इन तीनों आर्किटेक्चर के लिए कॉमन टर्मिनोलॉजी जो विहारा है वही यहां पर बेसिकली यूज की जाती है, यानी एक तरीके की ऐसी गुफा जहां पर मेडिटेशन जो है इनके द्वारा किया जाता था। अब इंडिया में आज भी आपको बहुत सारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज जो रही हैं हिस्ट्री में, जिनके फाउंडर्स के बारे में यहां पर आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपके सिर्फ मेंस का नहीं लेकिन प्रीलिम्स का भी पार्ट होता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, ये बिहार में फाउंड की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। वहीं अगर आप उदांतपुरी देखें तो बिहार शरीफ में बिहार में फाउंड की गई थी गोपाला के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार के भागलपुर में ये थी और धर्मपाला ने इसे बनवाया था। और सोमनापुरी नॉर्थ बंगाल में आपको देखने को मिलता है, अगेन धर्मपाला ने ही इसे बनाया है। जगदल यूनिवर्सिटी बंगाल की है, रामपाला ने बनवाया इसे। और फाइनली वल्लभी यूनिवर्सिटी जो गुजरात में आपको देखने को मिलती है, जो भट्टरिका ने बनवाया था, जो एक बेसिकली मैत्रक डायनेस्टी के रूलर थे। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये भी आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खुद में आर्ट एंड कल्चर और बुद्धिज्म एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे पहले तो एक पीवाईक्यू हमने देखा ही, लेकिन यहां पर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पर आपसे ये पूछा गया कि विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2023 का ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें बोला गया था द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, स्तूपा वॉज जनरली अ रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, और द स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और इसमें पहला एक ही इसमें स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहां पर जो दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस वीडियो में, प्लीज उसका जो जवाब है आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में देना है। एंड प्लीज चेक योर नॉलेज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड बुद्धिज्म और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करेंट अफेयर से भी रिलेटेड हैं और जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकते हैं। इस तरीके के टॉपिक्स को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।